जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ है टाटा की नेक्सॉन और ये है इसका ईवी वर्जन, मतलब ना तो पेट्रोल ना डीजल, ओनली ईवी चार्जिंग पर चलने वाली गाड़ी। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 30.2 किलोवाट की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है रेंज एक बार चार्ज करने पर, 60 मिनट में हो जाएगी 0 से 80% चार्ज कंपनी क्लेम करती है। और यह है इसका टॉप एंड वेरिएंट XZ प्लस, इसके ऊपर बस एक डार्क एडिशन और आता है। और यह है इसका नॉर्मल XZ प्लस वेरिएंट, मतलब इसके अंदर आपको तीन वेरिएंट मिल जाएंगे, XM, XZ प्लस और XZ प्लस डार्क। और की आपको कुछ ऐसी दिखती है, इसके अंदर दो आपको की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक यहाँ से लॉक हो जाएगी और यहाँ से इसके लैंप ऑन हो जाएंगे, हेडलैम्प, और दोनों की आपको रिमोट के अंदर मिलेगी। सेंटर में आपको मिल जाएगा क्रोम के अंदर टाटा का लोगो, यहाँ पर ईवी की बैजिंग देखो कैसी आ रही है, और स्काई ब्लू फिनिशिंग। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगी कॉर्निंग फंक्शन के साथ, यहाँ पर फॉग लैंप मिल जाएंगे हेलोजन के अंदर, और यहाँ आपको स्काई ब्लू की फिनिशिंग, नीचे सिग्नेचर ग्रिल में भी स्काई ब्लू की फिनिशिंग। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा DRL LED के अंदर, और इसी के अंदर आपको मिल जाएगी इंडिकेटर। नेक्सॉन की बैजिंग साइड में ईवी लिखा हुआ, ये फिर से आपको स्काई ब्लू की फिनिशिंग जो ईवी की याद दिलाता रहेगा। यहाँ पर LED इंडिकेटर ORVM पर। टायर सेक्शन की बात करें तो बीच में टाटा का लोगो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। साइज़ की बात करें तो 215/60R 16 इंच के अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। यहाँ पर ये लाइनिंग मिल जाएगी ब्लैक के अंदर, यहाँ से ईवी चार्ज करेंगे। यहाँ पर सार्फिन एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेल्स सिल्वर फिनिशिंग के साथ। ये आपको लाइनिंग आपको चारों तरफ मिलेगी गाड़ी की जो ईवी वर्जन की याद दिलाती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएगा, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाएंगे, और यह इसके ऑटो फोल्ड ORVM, जैसे लॉक करोगे फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन, डोर ओपनर सिल्वर फिनिशिंग के साथ, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, चार विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच, नीचे थोड़ी सी स्पेस, यह ट्विटर मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पर ORVM एडजस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही सीट मिल जाएगी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ। और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड, एंड कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड सामने से। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनसेट पर, इस साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पर माइक मिल जाएगा, ये रीडिंग लाइट LED के अंदर मिलेगी जो कि अच्छी चीज़ है। मैनुअल IRVM मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको हारमन के स्पीकर और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हैजार्ड लाइट का स्विच, AC वेंट्स, यहाँ पर स्काई ब्लू की फिनिशिंग, नेक्सॉन लिखा हुआ पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर। यहाँ पर आपको नीचे इस साइड भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग और टेक्सचर मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC मिल जाएगी, इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए। ऑटोमेटिक AC का फंक्शन मिल जाएगा आपको, और ये इसका हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर AC के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लैंप, यहाँ पर ऑन ओपन करने के लिए चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए। और यह इसके ड्राइव मोड PR&D, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, थोड़ी सी स्पेस। यह इसका आर्मरेस्ट कुशनिंग के साथ, डीप स्टोरेज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। एंड स्टीयरिंग व्हील पर आपको मिल जाएंगे MID के कंट्रोल, टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, MID के कंट्रोल इस साइड मिल जाएंगे,
क्रूज कंट्रोल आपको राइट साइड मिल जाएगा, स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा लेदर रैप के साथ, आधी आपको डिजिटल मिल जाएगी और आधा आपको मिल जाएगा मतलब आरपीएम मीटर आपको मिल जाएगा, स्पीड मीटर आपको एनालॉग मिल जाएगा और आरपीएम मीटर डिजिटल। यहाँ पर ये आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज के साथ, लैम्प का फंक्शन भी आपको मिल जाएगा हेलोजन में, और कुछ ऐसा दिखता है इसका पीछे वाला डोर वो भी आपको सेम बेज और ब्लैक के फिनिशिंग के साथ, डोर ओपनर लोकल नो का बटन ट्विटर येलो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, ग्रैब हैंडल सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर स्पेस स्पीकर, और ये है इसका सेकंड रो सीट, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, गाड़ी का नी रूम हेड रूम एवरीथिंग इज बेस्ट। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट भी काफ़ी चौड़ा है, 60-40 स्प्लिट का फंक्शन भी आपको कंपनी देती है इसके अंदर। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे कोटुक के साथ, इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ, और कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पर दो एसी वेंट मिल जाएंगे पीछे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, नी रूम हेड रूम अच्छा है, डिसेंट है, मतलब कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। और ये है इसका कुछ पीछे से, यहाँ पर 799 हाई माउंट स्टॉप लैंप, डीप फॉगर वॉशर और ये वाइपर, जिप ट्रॉन की बैजिंग, नेक्सॉन टाटा की बैजिंग, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, पार्सल ट्रे, और ये है इसके चार्जिंग, एंड ये है इसका चार्जर। बूट में भी आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, और ये है इसकी टेल लाइट एलईडी के अंदर, और ये दो बल्ब आएंगे हेलोजन के अंदर। तो कैसी लगी आपको टाटा नेक्सॉन ईवी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।